नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इस फील्ड में 35 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग की, एम्ब्रियो और एग्स फ्रीजिंग की। ये एक चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली IVF जब हम करते थे पहले, आई एम इन दिस फील्ड सिंस 1985, तो ये क्षेत्र में पहले फ्रेश एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का सक्सेस रेट कम रहता है, क्योंकि जिस साइकिल में हम एम्ब्रियो बनाते हैं उस साइकिल में अगर हमने थैली में वापस इसको इम्प्लांट कर दिया तो थैली का जो आवरण है वो फेवरेबल नहीं होता, उसके कारण इम्प्लांटेशन का चांस कम रहता है और सक्सेस रेट डाउन हो जाता है। इसलिए अब साइकिल हम दो तरीके में शिफ्ट करते हैं, पहली साइकिल एम्ब्रियो बनाने की और दूसरी साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की। तो इसलिए वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग करना ज़रूरी रहता है। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या करते हैं, तो जब हम एग्स निकालते हैं पेशेंट के, हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं, उसके साथ फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बना के रखते हैं प्रयोगशाला में। 5 दिन के बाद वो एम्ब्रियो ग्रो होके मैच्योर साइज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट उसी साइकिल में नहीं ट्रांसफ़र करते, वो हम फ्रीज करते हैं। वो फ्रीजिंग के लिए पहले ज़माने में यानी कि 1990s में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसको बोलते थे स्लो फ्रीजिंग। तो स्लो फ्रीजिंग का सक्सेस रेट कम था, फ्रीजिंग के कारण एम्ब्रियो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम रहते थे। लेकिन लास्ट 5-6 ईयर्स में इसमें इतनी सुधारणा हो गई टेक्नोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं रैपिड फ्रीजिंग और विट्रिफिकेशन। तो विट्रिफिकेशन में क्या रहता है, ये जो एम्ब्रियो हम बनाते हैं वो हम रैपिड फ्रीज करके, उसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं, करके -196 डिग्री इतने लो टेम्परेचर में उसको फ्रीज करके रखते हैं, उसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन। और जब भी ये ट्रांसफ़र करने का है फिर वापस उसको बोलते हैं वार्मिंग यानी कि थॉइंग, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ला के फिर उसको एक्टिवेट करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के एडवांटेजेस क्या है मैं बताता हूँ। अभी तो आजकल बहुत सारे सेंटर्स में दुनिया में फ्रीज ऑल करके साइकिल, फ्रेश साइकिल नहीं करते, फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करते, फ्रीज करके सबसिक्वेंटली आफ्टर सम टाइम वी कैन डू ट्रांसफ़र, दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ कभी कभी यंग पेशेंट में एट ए टाइम हमें 10-10 एग्स मिलते हैं, 10-10 अंडे मिलते हैं और 7-7 8-8 ब्लास्टोसिस बनते हैं। तो सभी ब्लास्टोसिस फ्रीज करके हम समझो नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करने का है, तो 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए, उसमें समझो प्रेगनेंसी भी हो गई सक्सेसफुल पहले ही साइकिल में, तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद अगर पेशेंट को वापस लगा कि दूसरा बच्चा चाहिए तो वो जो फ्रोजन एम्ब्रियोज है पहले के वही ट्रांसफ़र करके फिर भी उनको प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए जब उसको ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, ज़्यादा एम्ब्रियो नंबर, तो ज़्यादा एम्ब्रियो फ्रीज करके हम बहुत सालों तक रखते हैं, ये उसका दूसरा फायदा हो गया। इसलिए कॉस्ट कटिंग हो जाती है। IVF की कॉस्ट कटिंग कैसे हो जाती है, एक साइकिल में समझो 6 ब्लास्टोसिस बन गए तो नेक्स्ट साइकिल में सिर्फ ट्रांसफ़र का खर्चा पेशेंट को आएगा, पिकअप के लिए फिर इंजेक्शन ले लो, पिकअप के लिए फिर सोनोग्राफी, पिकअप के लिए फिर एनेस्थीसिया दे के पिकअप करना, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि वी हैव गॉट रेडीमेड एम्ब्रियोज। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियो फ्रीजिंग। सिमिलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज एग फ्रीजिंग, यानी कि अंडे भी हम फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हस्बैंड के स्पर्म हम फ्रीज करते हैं, वाइफ के एग्स हम फ्रीज कर रखते हैं। उसका क्या फ़ायदा कि आजकल उसको बोलते हैं सोशल फ्रीजिंग, यानी समझो पेशेंट एखादी लड़की वो अगर चाहती है कि वो मैरिज लेट करने वाली है क्योंकि करियर के कारण, वो समझो इफ़ शी इज़ गोइंग टू मैरी लेटर ऑन इन हर लाइफ, मे बी आफ्टर 35 ईयर्स, 38 ईयर्स एंड लाइक दैट, दैट टाइम उसके एग्स कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जब वो यंग है उसी टाइम उसके एग्स लेके हम फ्रीज कर सकते हैं। बाद में समझो आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स इफ़ शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड और उस टाइम हमें प्रेगनेंसी करने के, तो वो जो यंग एग्स है हमारे पास फ्रोजन, वो एग्स और हस्बैंड के स्पर्म बना के एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, उम्र बढ़ गई समझो तो एग्स क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए यंग एग्स हमने फ्रीज किए तो अच्छा रहता है। तो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी आज हमने देखा कि एग्स फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, और फ्रीजिंग से
टोटल IVF प्रोसीजर का सक्सेस रेट बहुत स्तर पे इंक्रीज हो सकता है। आजकल वो सक्सेस रेट 60-70% तक बढ़ गया, उसका बहुत सारा क्रेडिट फ्रीजिंग या विट्रिफिकेशन टेक्निक को ही जाता है।